इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक टू डायमेंशनल मोशन है और टू डायमेंशनल मोशन में जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट है, इट इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट ही होगी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कोई भी इंस्टेंट पे आप स्पीड मेजर करेंगे दैट इज वी नॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन कौन से जो हैं सिचुएशंस जो हैं वो ट्रू होंगी। तो हम कोई एक जनरल कंडीशन मान लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक पाथ है, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन पाथ है। तो आप यहाँ पे देखें पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो। सपोज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, स्पीड कॉन्स्टेंट है बट वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगी, सो दिस इज़ नॉट ट्रू, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। बी पार्ट में कह रहा है द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, या एक ही तरफ डायरेक्शन है ये भी पॉसिबल नहीं है। सपोज यहाँ से यहाँ गया तो पार्टिकल के एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन लगभग इधर कहीं होगी, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, फिर चेंज होगी, और जब ये इस कर्वेचर पे आएगा तो पार्टिकल के एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर होगी। बट कर्वेचर पे जहाँ कहीं पे भी होगा, जिस भी सिचुएशन में होगा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये एक्सेलेरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये बात पक्की है, ठीक है। चाहे आप इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और एक सर्कुलर पाथ में ही चल रहा है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बट इन जनरल केस एक्सेलेरेशन बाउंडेड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरी इन द प्लेन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, कुछ भी हो पार्टिकल प्लेन में चल रहा है तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इसी प्लेन में ही आएगा, तो जो एक्सेलेरेशन है वो भी इसी प्लेन में ही कहीं ना कहीं होगा, तो ये ऑप्शन ठीक है, जो एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा दैट विल नेसेसरी बी इन द प्लेन ऑफ द मोशन। डी ऑप्शन द पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे देखिए कि ये कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी।